नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड की 14 सीटों पर लोकसभा चुनाव का ऐलान, चार चरण में होगी वोटिंग। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। देश भर में लोकसभा चुनाव कुल 7 चरणों में होंगे। इसमें पूरे झारखंड में 4 चरणों में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग कराई जाएगी। चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही अब झारखंड में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव आयोग के अनुसार लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में कुल 96 सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें झारखंड की 14 सीटों पर भी 4 चरणों में वोटिंग होगी। बता दें, झारखंड में चौथे, पांचवें, छठे और सातवें चरण में वोटिंग होगी। इस दौरान चौथे चरण में 4 लोकसभा सीटों पर 13 मई को, जबकि पांचवें चरण में 3 लोकसभा सीट पर 20 मई को और छठे चरण में 4 सीटों पर 25 मई को वोटिंग होगी और 1 जून को आखिरी चरण में झारखंड के 3 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू में 13 मई को, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग में 20 मई को और गिरिडीह, धनबाद, रांची और जमशेदपुर में 25 मई को, राजमहल, दुमका, गोड्डा में 1 जून को वोटिंग होगी। झारखंड में आज से बिगड़ने वाला है मौसम, येलो अलर्ट जारी। मौसम केंद्र के मुताबिक 16 से 18 मार्च तक राज्य के दक्षिणी और निकटवर्ती भागों में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्के दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। इसका असर पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, सिमडेगा, खूंटी, गुमला, रांची, रामगढ़, बोकारो जिले में पड़ने की संभावना है। केंद्र के अनुसार 19 मार्च को राज्य में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की उम्मीद है। राज्य के उत्तर पूर्वी, दक्षिण और निकटवर्ती मध्य भागों में कुछ स्थानों पर 20 मार्च को वर्षा होने की संभावना है। इसका असर देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामतड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, सिमडेगा, खूंटी, गुमला, रांची, रामगढ़, बोकारो जिले में पड़ने की संभावना है। राज्य के दक्षिण पूर्वी भागों में 21 मार्च को हल्की वर्षा होने की संभावना है। मौसम केंद्र ने 16 से 18 के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। झारखंड में पुरानी पेंशन योजना बहाल, शिक्षक कर्मचारियों में हर्ष का माहौल। झारखंड सरकार के कैबिनेट में गैर सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना दोबारा लागू किए जाने से हर्ष का माहौल है। झारखंड अल्पसंख्यक माध्यमिक शिक्षक संघ रांची के महासचिव एथोनी टिग्गा ने स्वागत करते हुए कहा, कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय से राज्य के अल्पसंख्यक एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों के बीच खुशी की लहर है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने यह ऐतिहासिक निर्णय लिया। विद्यालय प्रबंध समिति तथा झारखंड अल्पसंख्यक प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय शिक्षक शिक्षकेतर समन्वय समिति रांची की ओर से वर्षों ने इनकी मांग की जा रही थी। सहमति से बना संबंध दुष्कर्म नहीं, झारखंड हाईकोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम चौधरी की अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में निचली अदालत के आदेश को निरस्त करते हुए युवक को बरी कर दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि सभी तथ्यों को देखने के बाद यह स्पष्ट होता है कि आरोपित ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध नहीं बनाए थे, बल्कि युवती की सहमति से ही शारीरिक संबंध स्थापित हुआ, इसलिए यह दुष्कर्म नहीं माना जाएगा। बता दें, पाकुड़ सिविल कोर्ट ने वर्ष 2012 में प्रार्थी मोहिदुल को युवती का दुष्कर्म करने का दोषी पाते हुए 7 साल कारावास की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ उसने हाई कोर्ट में अपील दाखिल कर सजा को चुनौती दी थी। झारखंड की हॉट सीटें जिन पर पूरे देश की रहेगी निगाहें। झारखंड का लोकसभा चुनाव इस बार काफी दिलचस्प होने वाला है। झारखंड की रांची, दुमका, गोड्डा, सिंहभूम, खूंटी और हजारीबाग लोकसभा सीट सबसे हॉट सीटें मानी जा रही है। भाजपा ने इस बार रांची से संजय सेठ, दुमका से सुनील सोरेन, गोड्डा से निशिकांत दुबे, सिंहभूम से गीता कोडा, हजारीबाग से मनीष जायसवाल को मैदान में उतारा है। ऐसे में चर्चाएं हैं कि इस बार झारखंड की दुमका लोकसभा सीट सबसे हॉट सीट हो सकती है। इस सीट पर 1 जून 2024 में पहले चरण में मतदान होंगे। वहीं इस सीट से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनाव लड़ सकते हैं। इस सीट पर उनके पिता शिबू सोरेन लोकसभा का चुनाव लड़ते आए हैं। बता दें, पिछले लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने दुमका से ही लोकसभा का चुनाव लड़ा था, हालांकि भाजपा के सुनील सोरेन ने उन्हें हरा दिया था। गढ़वा में 2 फोरलेन सड़कों का होगा निर्माण। गढ़वा जिले में लगभग 270 करोड़ की लागत से 2 प्रमुख सड़कों का निर्माण चौड़ीकरण कार्य किया जाएगा। पलामू जिला के शंखा न्यू बाईपास से गढ़वा जिला के खजुरी न्यू बाईपास तक 24 किलोमीटर करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा, जबकि दूसरी सड़क लगभग 70 करोड़ रुपए की लागत से चीनिया प्रखंड में पीडब्ल्यूडी पथ बरवाडी से
सिग्गा खुर्द, चफला, पेंदली, पेशका, दुलदुलवा होते हुए पीडब्ल्यूडी पथ तक सड़क निर्माण शामिल है। इन सड़कों का निर्माण पथ निर्माण विभाग से कराया जाएगा। राज्य कैबिनेट ने इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसकी जानकारी देते हुए गढ़वा विधायक सह झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता व उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने बताया कि उक्त दो सड़कें अति महत्वपूर्ण है, इसका निर्माण चौड़ीकरण कार्य किया जाएगा। झारखंड में गांडे सीट पर होगा उपचुनाव, 20 मई को वोटिंग। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 7 चरणों में देश भर में लोकसभा चुनाव होंगे, वहीं झारखंड में 4 चरण में चुनाव होगा। पहले चरण के लिए 28 मार्च को जारी अधिसूचना होगी। वहीं लोकसभा के अलावा झारखंड में एक सीट पर उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। बता दें गांडे विधानसभा सीट पर 20 मई को उपचुनाव होना है, वहीं इसका भी परिणाम 4 जून को ही जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि झारखंड में गांडे विधानसभा सीट से विधायक सरफराज अहमद ने इस्तीफा दे दिया था, इसके बाद यह विधानसभा सीट रिक्त हुई थी। चंपाई कैबिनेट की बैठक में 53 एजेंडों पर मुहर। लोकसभा चुनाव से पहले चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में शनिवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान 53 प्रस्तावों को कैबिनेट से मंजूरी मिली है। वहीं चंपाई कैबिनेट ने बैठक के दौरान स्कूली छात्रों को बड़ा ऐलान किया है। चंपाई कैबिनेट ने स्कूल जाने वाले 8वीं तक के छात्रों को स्कूली बैग देने की घोषणा की है। इसके अलावा संताल परगना क्षेत्र के 2 दर्जन सड़कों के लिए 1000 करोड़ से अधिक की योजनाओं की स्वीकृति मिली है। कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले से सरकारी स्कूलों के कक्षा 1 से 8 तक के करीब 37 लाख बच्चों को फायदा होगा। इसके अलावा आदिम जनजाति क्षेत्र में 91 आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे। कैबिनेट की बैठक में जेटेट नियमावली 2024 को भी स्वीकृति मिल गई है। कोडरमा में सीओ की गाड़ी पर गिरा पेड़। कोडरमा थाना क्षेत्र के कुम्हार टोली में विशाल बरगल का पेड़ गिरने से बाल बाल बचे झारखंड प्रशासनिक सेवा के 2 पदाधिकारी सहित 4 कर्मी। घटना में बीपीओ व वाहन चालक को मामूली चोट आई है। दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जिले के विभिन्न प्रखंडों में बूथों का पदाधिकारी के द्वारा भौतिक सत्यापन करते हुए वहाँ की मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ली जा रही है, ताकि मतदान से पहले सभी कमियों को दुरुस्त कराया जा सके। इसी को लेकर शनिवार को मरकच्चो प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी हुलास महतो, अंचला अधिकारी परमेश्वर कुशवाहा, बीपीओ राकेश रंजन, होमगार्ड के जवान राजेंद्र यादव के साथ सरकारी वाहन के चालक दिनेश कुमार के साथ प्रखंड के रोशनबागी में स्थित बूथ संख्या 417 का जायजा लेकर लौट रहे थे। देवघर में सड़क हादसा, युवक की मौत, सड़क जाम। झारखंड के देवघर जिले के जसीडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत देवघर सुल्तानगंज मुख्य पथ पर कोठिया संकरी मोड़ के समीप शनिवार की सुबह तेज गति से जा रहे गिट्टी लदे ट्रक ने साइकिल सवार को कुचल दिया। इसे साइकिल सवार जसीडीह थाना क्षेत्र के बदनबेरा गांव निवासी मिथिलेश कुमार यादव 19 वर्षीय की मौत घटनास्थल पर हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने गिट्टी लदे ट्रक का पीछा किया। इस क्रम में गोठिया टोल टैक्स बैरियर के पास ट्रक खड़ा कर चालक वहां से फरार हो गया। धनबाद में स्कूल का छज्जा गिरने से परीक्षा देकर निकल रहे छात्र की मौत। धनबाद के झरिया केसी गर्ल हाई स्कूल के दरवाजे का छज्जा गिरने से शनिवार 1 बजे परीक्षा देकर बाहर निकल रहे छात्र प्रिंस कुमार साह 16 वर्षीय की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने स्कूल में काफी हंगामा किया। मुआवजा व नियोजन की मांग को लेकर शव को रख कर सड़क जाम कर दिया। इस दौरान पुलिस के अलावा अन्य अधिकारी भी जमे रहे। पिता प्रदीप साह ने झरिया थाना में शिकायत देकर घटना के लिए जिम्मेवार स्कूल प्रबंधन व शिक्षा विभाग पर कार्रवाई की मांग की है। इस पर सिंदरी डीएसपी भूपेंद्र रावत ने कहा है कि घटना दुखद है, परिजनों से शिकायत पर जांचों उपरांत कार्रवाई की जाएगी। झारखंड में पहली बार 21 लाख युवा डालेंगे वोट। लोकसभा चुनाव 2024 में झारखंड में कुल 2,53,86,152 वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें 21,67,270 युवा मतदाता पहली बार वोटिंग करेंगे। इनमें युवकों से अधिक युवतियां हैं। मतदाता सूची के मुताबिक 18 से 22 वर्ष तक के 21,67,270 युवा मतदाता पहली बार लोकसभा चुनाव में वोट डालेंगे। इनमें 10,64,282 युवक व 11,02,903 युवतियाँ हैं। इनके अलावा 85 थर्ड जेंडर मतदाता हैं जो पहली बार वोट डालेंगे। गिरिडीह से 17 पिकअप वैन में 150 मवेशी की तस्करी। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र के जीटी रोड गैंडा में मवेशी तस्करों के एक बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। यह खुलासा उस वक्त हुआ जब ग्रामीणों के सहयोग से बगोदर थाना की पुलिस ने 150 से अधिक मवेशी लदे 17 पिकअप वैन को जब्त किया। हालांकि इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी।
मवासी लदे एक साथ 17 वाहनों के पकड़े जाने के बाद इलाके में तरह तरह की चर्चा हो रही है। दरअसल शनिवार को सुबह बगोदर थाना क्षेत्र के गेंडा लक्षी बागी से तस्करी के लिए जा रहे 17 पिकअप वैन को ग्रामीणों के सहयोग से बगोदर पुलिस ने जब्त कर लिया।